ओम नमः शिवाय दोस्तों, इस पावन के पहली सोमवारी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विपिन कुमार यादव आप सबको बहुत बहुत ही सावन की सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं आज आया हूं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। जो है आज बाबा की दरबार सजी हुई है, भक्तगण जो है बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और भक्ति प्रसंग कार्यक्रम हो रहा है, कीर्तन भजन समारोह हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से बाबा के दरबार में देखिए भक्त सब कैसे जो है बाबा को अर्जी लगा रहे हैं, कैसे बाबा से मनोकामनाएं मांग रहे हैं और बाबा के जो है पूजा में इस तरह से लीन हैं। तो आप सब देखिए, देखना ना भूलें। भोलेनाथ को इस प्रकार से जो है भोले बाबा पे समर्पित किया गया है। पूजा की हरेक सामग्री यहाँ पे माता गौड़ा जी विराजमान है, साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी और बाबा भोले के सिर पर अनेक प्रकार से फूल सुसज्जित किया गया है। और नवेद देखिए बाबा को गांजा के साथ साथ लड्डू रसगुल्ला और अनेक प्रकार के मिष्ठान चढ़ाए गए हैं। बाबा को जो है बेलपात्र, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल बाबा पे अर्पित किए गए हैं। बाबा की श्रृंगार पूजा सबसे पावन इस सावन की सोमवारी का यह अद्भुत दृश्य है, जो बाबा को फूल और अबीर ऊपर में अबीर डाला गया है और इत्र मारा गया डाला गया है। बाबा को परफ्यूम सेंट से जो है सुगंधित किया गया है, चंदन का लेप बाबा पे अर्पित किए गए हैं और भांग बेलपत्र से नवेद बाबा को दिए गए हैं। साथ साथ अनेक प्रकार के जो हैं बाबा को मिष्ठान भोजन में दिए हैं। और बाबा मिष्ठान को उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि धतूर भांग बेलपत्र को पसंद करते हैं। तो भक्त जो है धतूर भांग बाबा को देने में भी कमी नहीं करते हैं। इस प्रकार से श्रद्धालु भक्त लोग बाबा के दरबार में बाबा को अर्जी लगा रहे हैं और बाबा की धूमधाम के साथ पूजा बाबा के कर रहे हैं। शिवजी के दरबार बहुत ही अद्भुत है, बाबा की पूजा हो चुकी है और पंडित जी जो है उधर विसर्जन कर रहे हैं। इधर भक्त सब इधर भगवान के भजन में लीन हैं। और इस प्रकार से देखिए बाबा के प्रांगण में भक्त सब कीर्तन भजन में बाबा को अपने भक्ति भाव प्रकट करके बाबा को खुश कर रहे हैं। बाबा के दरबार में सभी भक्त दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे अपना कला प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे इधर केसियो मास्टर बैठे हुए हैं, नाम भी केसी है और केसियो भी बजा रहा है। तो इस प्रकार से भक्त सब सावन की पहली सोमवारी को यह बहुत ही धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ प्रभु के चरण में अपना वंदन को समर्पित कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं।
बाबा के श्रद्धालु भाव से प्रतिक्षण कर रहे हैं और तीन बार बाबा की प्रतिक्षण कर चुके हैं। अब बाबा के दरबार में देखिए किस प्रकार से बाबा को प्रसन्न करते हुए खुश करते हुए मंत्र उच्चारण की साध दंडवत बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। प्राचीन सभ्यता में इसी प्रकार से जो है अपने से बड़ों को दंडवत प्रणाम करते थे। आज के समय में इस तरह से प्रणाम करना जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाबा के दरबार में बहुत सब जो है इसी प्रकार से दंडवत सभियों से दंडवत प्रणाम करते हुए आए हैं और करते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भक्त सब बाबा के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। यह पावन चावल की पहली सोमवारी है, तो बाबा की धूमधाम के साथ पूजा भक्ति भाव से किए जा रहे हैं। देखिए भक्त सब कैसे जो हैं प्रणाम करते हैं बाबा के दरबार में। इधर पंडित जी शंख को फूंक रहे हैं, शंख की ध्वनि परम पवित्र है। इस ध्वनि से सारा क्लेश दुख तकलीफ शरीर का रोग दूर हो जाते हैं। तो आप सब देख सकते हैं बाबा की दरबार कैसी सजी हुई है, किस प्रकार से बाबा की पूजा अर्चना भक्ति भक्त सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और अब जो है पूजा समाप्त हो चुकी है, इधर भक्त लोग प्रसाद को मिला रहे हैं बाबा के प्रसाद में, नवेद में। देखिए लड्डू, अक्षत, आम, रसगुल्ला और अनार, अनेक फल फूल डाले गए हैं प्रसाद में। बहुत ही प्रसाद